Hello everyone. Now I'm going to talk about the next point of your chapter, An Empire Across the Three Continents. That was regarding the controlling workers. If you talk about the workers, two types of workers were there in the Roman Empire. The slavery was an institution which was very deep rooted in the Roman Empire, both in the Mediterranean and the Near East, though Christianity emerged, that was a state religion, but did not challenge this institution. And if you talk about the slavery, this was the Mediterranean and the Near East, which I'm talking about. In the world map, it is like this. So slavery was very much deep rooted and it could not be challenged by the religion. Now, slaves were brutally mistreated by the upper class and ordinary people showed compassion. आपके पुस्तक के अनुसार अगर आप बात करेंगे तो स्लेवरी जो थी, जो अपर क्लास के लोग थे वो स्लेव्स रखना बहुत पसंद करते थे. ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो केप्ट द स्लेव्स, ऑफकोर्स उनके पास में भी स्लेव्स होते थे, बट दे हैड एटलीस्ट एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन फॉर देम. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक के ही अनुसार, उस एग्जाम्पल को कोट किया गया है कि नीरो के काल में, शासन काल में एक ऐसी घटना घटी जो कि एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से जो ऑर्डिनरी पीपल थे, द ऑर्डिनरी पीपल शोड देयर कंपैशन फॉर द स्लेव्स. ठीक है, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्लेव्स. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. 5-5 marks, 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दीज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस. दीज आर नोन एज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस. So you must know. So the 15 marks question paper is for comprehension of these source based questions. So you must know about this. Soon after the city perfect, Lucius Pendennis Secundus was murdered by one of his slaves. उसके एक slave के द्वारा उसका murder कर दिया गया था. यहाँ पर देखिए one of his slaves लिखा है, लेकिन slaves की पूरी जो जाति थी, उनका जो पूरा का पूरा group था, उनके ऊपर किस तरह से बिहेवियर किया जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है. आफ्टर द मर्डर एंशियंट कस्टम रिक्वायर्ड दैट एवरी स्लेव रेजाइडिंग अंडर द सेम रूफ मस्ट बी एग्जीक्यूटेड. प्रत्येक स्लेव को जो कि वहाँ पर, ये पुराना रिवाज था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले हर स्लेव को फांसी दे दी जाए, तो ये तो जायज नहीं था. ठीक है, बट अ क्राउड गैदर्ड ईगर टू सेव सो मेनी इनोसेंट लाइव्स. परंतु निर्दोष लोगों को बचाने के लिए एक वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने जो है दंगे करने शुरू कर दिए. उन्होंने विरोध किया, विरोध में दंगे किए. द सीनेट हाउस वॉज बी सेज्ड. सेनेट भवन जो था उसको चारों तरफ से घेर लिया गया. इन साइड देयर वॉज फीलिंग अगेंस्ट एक्सेसिव सीवियरिटी. और उसके अंदर जो थी अत्यधिक कठोरता का विरोध किया गया, परंतु ज़्यादातर जो लोग थे उसके, मतलब सदस्य थे, वो ऐसे किसी परिवर्तन किए जाने का बहुत विरोध कर रहे थे. मेजोरिटी ऑफ पीपल वर अपोज टू दैट. द सेनेटर्स फेवरिंग एग्जीक्यूशन प्रिवेल्ड एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, जो सीनेटर फांसी देने के पक्ष में था उनकी बात मानी गई. स्वाभाविक है उनकी बात मानी जाएगी क्योंकि वो हायर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अपर क्लासेस के लोग थे. हाउएवर ग्रेट क्राउड्स रेडी विद द स्टोन्स एंड टॉर्चेस प्रिवेंटेड द ऑर्डर फ्रॉम बीइंग कैरीड आउट. और उन्होंने जो था, लोगों ने जो है टॉर्चेस हाथ में लिए हुए थे, पत्थर हाथ में लिए हुए थे, और उन्होंने ऐसा करने, इस आदेश को लागू करने के लिए बहुत विरोध किया, रोका. और नीरो का जो ये रिब्यूक्ड द पॉपुलेशन बाय एडिक्ट, जो कि उनका अभिलेख है, उससे हमें पता चलता है. एंड लाइन विद द ट्रूप्स द होल रूट अलोंग विच दोज कंडेम्ड वर टेकन फॉर एग्जीक्यूशन. और इस प्रकार से नीरो का जो अभिलेख है उससे हमें पता लगता है कि इन लोगों को बहुत डांटा गया जो कि स्लेव्स का साथ दे रहे थे. और उन सारे मार्गों पर सेना भी लगा दी गई जहाँ पर सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया था. तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो ऑर्डिनरी लोग थे, ठीक है, जिसने किया है उसके साथ उसको फांसी दी जानी चाहिए, सबको नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा विरोध किया गया. तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए फॉर एग्जाम्पल. सो यू नीड टू सॉल्व दीज ऑल्सो.
As the warfare became less spread with the establishment of peace in the first century, the supply of the slaves declined. है ना, स्लेव्स की सप्लाई जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी. और दूसरी चीज़, जो वेज वर्कर्स हुआ करते थे, जो वेज वाले जो जिनको जो डेली दिहाड़ी का पर रखा जाता था, वो सस्ते पड़ते थे. क्यों सस्ते पड़ते थे? क्योंकि क्योंकि उनको तो डेली के डेली वेज दे दिया जाएगा, डेली के डेली उनको पैसा दे दिया जाएगा, उनका मेहनताना दे दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि वो सस्ते पड़ेंगे. और स्लेव्स को अगर पालेंगे, स्लेव्स को घर में रखेंगे, तो उनको तो खाना भी खिलाना पड़ेगा. दैट वॉज मोर एक्सपेंसिव. सो बाई दैट टाइम इट वॉज थॉट कि हाँ चलो ठीक है, जो वेज वर्कर्स हैं वो हमारे लिए ठीक है. बट स्लेव्स जो थे, दे वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, है ना. वो बहुत समय तक उनको ख़त्म नहीं किया जा सका. तो इस पर्टिकुलर सब हेडिंग में आपको जो पढ़ना है वो है कि दास्ता जो थी, स्लेवरी जो थी, दैट वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. इटली में 75 लैक्स पॉपुलेशन वॉज देयर, इन इटली वेयर एज 30 लैक्स वर द स्लेव्स. ठीक है. और जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह से स्लेव्स को जो है इन्वेस्टमेंट का मुद्दा माना जाता था. ठीक है. और इनके साथ बड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था. दे वर वेरी ब्रूटली, ड्रेकोनियन लॉज वर देयर. एंड कंट्रोलिंग वर्कर्स में ही आप पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, ग्राम थे, गांव थे, विलेजेस थे, और वहाँ पर जो था बहुत ज़्यादा लोग जो थे इनडेटेड थे, बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्तता हुआ करती थी. एक लॉ जो था वो 398 रेफर टू द वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड. वर्कर्स को ब्रांड किया जाता था. वो जब काम करने जाते थे तो उनको एक एप्रन जो पहनना पड़ता था उसके ऊपर उनका ब्रांड लिखा होता था, सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज. वो भाग ना सकें कहीं पर, वो अपने आप को छुपा ना लें. तो ऐसे करके बहुत कठोर नियम थे. और उनको जानवरों के जैसे देखिए ट्रीट किया जाता था. उनको जानवरों के जैसे, गले में जो है वो पट्टा जैसे डालते ना जानवरों को, उसी तरह से उनको ट्रीट किया जाता था. एंड इट डज नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोमन इकोनॉमी वॉज परफॉर्म बाय द स्लेव्स. दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रोमन इकोनॉमी. रोम साम्राज्य के अंदर जो है उनका महत्वपूर्ण काम हुआ करता था. इफ़ यू टॉक अबाउट किंग ऑगस्टस, एम्परर ऑगस्टस के शासनकाल में तो शांति व्यवस्था के कारण दासों की संख्या कुछ कम भी हुई थी, स्लेव्स कुछ कम भी हुए थे. लेकिन आगे चल करके इनका बहुत बड़ा योगदान था. आगे चलकर बहुत सारे स्लेव्स हुआ करते थे. अब बात उठती है कि कैसे स्लेव्स आते थे, स्लेव्स हुआ कैसे करते थे. तो पहली चीज़ तो मदर्स, द स्लेव्स लेडीज, दोज़ हू वर मदर्स, मतलब जो महिलाएं थीं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता था, सो दैट उनके जो बच्चे हैं वो स्लेव्स के रूप में विकसित होंगे. ठीक है. दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि स्लेव्स जो थे वो जो युद्धबंदी हुआ करते थे, जो वॉर के टाइम में जिनको बंदी बना लिया जाता था, हारे हुए जो सैनिक होते थे वो भी स्लेव बना लिए जाते थे. उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी सिविलियंस होते थे जिनको कि पकड़ के लाया जाता था, या जिनको जिनका अपहरण कर लिया जाता था, वो भी स्लेव्स जो थे उनको भी स्लेव बना लिया जाता था. और थर्ड सेंचुरी आते आते तक तो बहुत सारे युद्ध बंदी जो थे वो स्लेव्स बना लिए गए थे. रोमन साम्राज्य में दूसरे देशों के भी जो नागरिक हुआ करते थे उनको भी स्लेव्स के जैसे रखा जाता था. ठीक है. तो स्लेवरी जो थी वो बड़ी प्रोमिनेंट हुआ करती थी. और ऐसे उदाहरण भी हमको मिलते हैं, ऐसे एग्जांपल्स वी गेट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली आर कोटिंग, दैट अनलाइक हायर्ड वर्कर, स्लेव्स हैड टू बी फेड एंड मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर. तो मैंने पहले भी बताया कि गुलामों को रखने के लिए उनके ऊपर वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए आगे चल करके उनको मुक्त कर दिया गया था और उनको केवल जो है वेज वर्कर के रूप में रखा गया था. लेकिन फिर भी ये पूंजी निवेश का साधन माने जाते थे और उनको ये मतलब स्लेव्स वर प्रेफर्ड बाय द पीपल. नाउ पर कोलुमेला जो है एक राइटर हुए हैं,
उन्होंने सिफारिश की कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों और औजारों को, मीन्स दे मस्ट कीप द मोर मोर ऑफ द इम्प्लीमेंट्स विद देम, सो दैट इफ द स्लेव लेबर्स आर नॉट अवेलेबल और द वेज लेबर्स आर नॉट अवेलेबल, देन विद द लेस ऑफ द वर्कर्स, विद द लेस ऑफ द लेबर दे कैन वर्क. क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसे मदों की लागत से अधिक बैठती थी. दैट मीन्स जो दासों को पालना था दैट वॉज मोर एक्सपेंसिव. ठीक है, कुल मिला राइट्स दैट स्क्वाड ऑफ 10, क्लेमिंग इट वॉज इजियर टू टेल हु वॉज पुटिंग इन एफर्ट एंड हु वॉज नॉट पुटिंग इन एफर्ट. कुल मिला ये भी लिखते हैं कि लेबर्स को जो था वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, और उन ग्रुप्स के जरिए ये पता किया जा सकता था कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है. तो इसलिए उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था और फिर उनके काम को देखा जाता था. टू मेक सुपरविजन इजियर वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप इन टू गैंग्स और द स्मॉलर टर्म्स. कुल मिला रिकमेंडेड स्क्वाड्स ऑफ 10, क्लेमिंग इट वॉज इजियर टू टेल हु वॉज पुटिंग इन एफर्ट एंड हु वॉज नॉट इन वर्क ग्रुप्स इन दिस साइज. तो उनको बिल्कुल जानवरों के जैसे ट्रीट किया जाता था. दिस शोज अ डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर. ऑफकोर्स लेबर को कैसे मैनेज किया जाता था वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. हियर अगेन प्लिनी द एल्डर, द ऑथर ऑफ अ वेरी वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री, कंडेम्ड द यूज ऑफ स्लेव गैंग्स एज द वर्स्ट मैथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, मेनली बिकॉज स्लेव्स हु वर्कड इन गैंग्स वर यूजली चेन्ड टूगेदर बाई देयर फीट. मैंने आपको एक चित्र दिखाया था कि उनको जो है वो चेन करके रखा जाता था जिससे कि वो इधर उधर भाग ना सकें. तो ऑल दिस लुक्स ड्रेकोनियन. ये बहुत ही खराब लगता है कि इस तरह का बिहेवियर ह्यूमन बीइंग्स के साथ किया जाए. ये तरीके बड़े क्रूर थे, है ना, और उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था. इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स इन द एम्पायर इवन इवन टाइटर कंट्रोल्स. द एल्डर प्लिनी डिस्क्राइब्स कंडीशंस इन द फ्रेंकिनसेंस फैक्ट्रीज. फ्रेंकिनसेंस जो होता था वो एक तरह का जो है वो सुगंधित मटेरियल होता था. जैसे कि गम निकलता है पेड़ों से उसी तरह से ये निकलता था, और जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो फ्रेंकिनसेंस हुआ करता था वो यूरोप से मिलता था, जबकि जो कि अरेबियन कॉन्टिनेंट से पाया जाता था. दैट वॉज द बेस्ट वन, है ना. और मैंने जैसा पहले ही बताया कि लेबर्स के ऊपर एक सील लगाई जाती थी, और जब वो काम करने आते थे तो वो सील वाले एप्रन्स को पहनते थे, और उसके बाद उनको मास्क पहनना होता था. ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर मस्ट हैव बीन फटिंग द डिसलाइक, दे डिड नॉट लाइक दैट बट स्टिल दे हैड टू वेयर. और हजारों श्रमिकों को जो गुलाम बनाया गया था उनके साथ में बहुत कठोर नियमों का पालन किया गया था, और साथ ही साथ एक बहुत ही दुखद जो बात हम कहेंगे यहाँ पर कि ब्रांडिंग जो थी उनके ऊपर दाग लगाया जाता था, वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और कठोर जो ये था कि बहुत सारे बच्चों को, माता पिता जो थे वो अपने बच्चों को 25 सालों के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे, बॉन्डेड लेबर बना देते थे, है ना. वो चीज़ अच्छी नहीं थी. बहुत बार क्या है, स्लेव्स बहुत परेशान होकर के अपने आपको जो थे वो सरेंडर कर देते थे कि चलो ठीक है हमारे साथ जो भी बिहेवियर हो दैट वाज ओके फॉर देम. थाउजेंड्स ऑफ द सरेंडर देमसेल्व्स टू वर्क इन सर्विट्यूड ऑल्दो दे आर फ्री. फ्री लेबर्स को भी इस तरीके से बिहेव किया जाता था विच वाज वेरी बैड. तो रोमन कानून के अनुसार दास मालिक की संपत्ति होते थे. दीज वेरी ड्रैकोनियन लॉज वर वेरी बैड द स्लेव्स. सो द लेबर वॉज मैनेज्ड. I do agree with that. The labor was managed in this way. Rules and laws were there, but still, this management was very draconian. The laws were very draconian, and people faced a lot of difficulty out of it. Thank you very much.